हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं पंचकुला वापस, और ये है मेरी कजन आरती। बाय बाय आरती। तो अभी हम गाइस यहाँ पे साथ में नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बनाया है नाश्ते में भिंडी की सब्जी और रोटी और चाय, ये आरती का है और ये मेरा है। तो हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना, फिर मिलेंगे अगले साल, ठीक है? ठीक है। और ये आरती के बच्चे ईशानी और इशिका, हेलो करो। चलो गाइज नाश्ता करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज, हम लोग गांव से निकल चुके हैं और अभी हम लोग कोटद्वार में रुकेंगे। वहां पे बहुत ही फेमस सिद्धबलि मंदिर है हनुमान जी का, वहां पे हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए रुकेंगे, देन फिर हम वहां से निकलेंगे। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं कोटद्वार सिद्धबलि मंदिर और हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है। शूज के अंदर डाल दो, इकले शूज ही लिया है ना, लिया है ना चप्पल से? हाँ, कुछ नहीं लाए। सो यहाँ से मंदिर की एंट्री है और हम लोग एंटर कर चुके हैं और अभी बहुत सारे स्टेयर्स चढ़ने के बाद हमें दर्शन होंगे हनुमान जी के। तो गाइज, ये मंदिर भी पहाड़ों के बीचों बीच है, तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। और अगर आप स्टेयर्स चढ़ के थक गए हैं तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग बना रखी है, एंड आर्टिस्ट का नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। सो गाइज, मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है कि कृपया मंदिर में जाने से पहले नारियल और गुड़ के दो पीस करके ही जाएं, ऐसे साबुत लेके जाना यहाँ पे अलाउड नहीं है हनुमान जी के मंदिर में। यहाँ पे सभी लोग, ये जगह भी बनाई हुई है गुड़ और नारियल तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे सभी लोग आके गुड़ और नारियल के दो पीस करते हैं और फिर यही प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जाता है भगवान जी को। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग बारी बारी से गुड़ और नारियल के दो पीस कर रहे हैं। सो गाइज, प्रसाद लेके चलते हैं अब मंदिर की ओर, और अभी बस थोड़ी बहुत और सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, देन फिर हमें बहुत ही जल्द हनुमान जी के दर्शन होने ही वाले हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं सामने बहुत ही सुंदर हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे मंदिर के दर्शन के साथ साथ यहाँ पे फोटोशूट पॉइंट भी है। यहाँ पे लोग बहुत ही सुंदर अपनी फोटोज करवाते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगी हुई है अभी दर्शन के लिए, और आपको जल्द ही हम हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। और ये देखिए गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े होके दूर दूर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। दूर दूर तक आपको पहाड़ दिखाई देंगे, और अंदर फ़ोन ले जाना, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो मैं यहीं से लाइन में खड़े होके आपको, आप देख सकते हैं हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो प्रसाद के साथ गुड़ और नारियल के साथ ही हमें चुनरी भी मिली थी, तो हम लोग यहाँ पे चुनरी बांध रहे हैं। हाँ। तो हनुमान जी के दर्शन हमने कर लिए हैं, और अब इस तरफ को नीचे लेफ्ट हैंड साइड में शिवलिंग है, वहाँ पे अभी हम लोग जल चढ़ाएंगे।
यहाँ से प्रभु तो जल चढ़ाने के बाद इससे आगे एक और मंदिर है शनिदेव जी का, शनिदेव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो गाइज हमने दर्शन कर लिए हैं हनुमान जी के और जल भी चढ़ा लिया है शिवलिंग पे और शनिदेव जी के भी दर्शन कर लिए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो जब भी आप लोग उत्तराखंड आएँ तो कोटद्वार में सिद्धबली बाबा के धाम पे ज़रूर आएँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो गाइज हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग कोटद्वार से निकल चुके हैं और अभी हम लोग पंचकुला वापस जा रहे हैं, लेकिन हम लोग रास्ते में हरिद्वार रुकेंगे, वहाँ पे हम लोग गंगा जी में स्नान वगैरह करेंगे और फिर हम लोग वहाँ से चलेंगे। सो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार और आप देख सकते हैं बहुत रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है, ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है और ये आप देख सकते हैं ये सारी गंगा मैया हैं। और अभी हम लोग बस अंदर जाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके बस नहा धो के यहाँ से निकलते हैं। कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है ना। तो गाइज़ हमने गंगा में स्नान कर लिया है और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा लगा इतनी धूप में ठंडे ठंडे पानी में नहा के, बहुत मज़ा आया है। और आपने देख ही लिया होगा कि कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि समर वेकेशंस चल रही हैं तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यहीं पे हरिद्वार में, अभी हम लंच वगैरह करेंगे, थोड़ा सा मार्केट में शॉपिंग वगैरह करेंगे, देन फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और बहुत इंजॉय किया हमने।
अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मेरा उत्तराखंड में आज डे 3 है और हमारा ये उत्तराखंड का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। तो गाइस अब हम बस वापस जा रहे हैं पंचकुला, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो लेके आते रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 गाइज, टेक केयर।